हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल। तो फ्रेंड्स, आज की रेसिपी में हमने बनाया है काला जामुन। मैंने आपको यहाँ पे एक काला जामुन काटकर दिखा रहा हूँ और ये देखिए, काला जामुन रसीले तो है, इसने रस बहुत अच्छा से पिया है। और काला जामुन बनाने में सारे सीक्रेट तरीके इस वीडियो में बताऊंगा। तो फ्रेंड्स, मैं हलवाई का काम करता हूँ, तो मैं आज हलवाई स्टाइल में काला जामुन बनाकर आपको दिखाऊंगा। चलते हैं, हम काला जामुन बनाना शुरू करते हैं। अगर आपको काला जामुन की रेसिपी पसंद आए तो उसे लाइक करें। मिठाइयों की नई रेसिपी पाने के लिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें। काला जामुन बनाने के लिए हमें चाहिए छेना, और ये हमने 1 लीटर दूध का छेना बनाया है। दूध को फाड़कर छेना कैसे बनाते हैं मैं वीडियो के लास्ट में दिखाऊंगा, और वीडियो देखते रहें। अब हम इसमें मैदा डालेंगे। मैंने यहाँ पे 1.4 कप मैदा दिया है, वजन से बोले तो 60 ग्राम मैदा है। काला जामुन को टेस्टी बनाने के लिए हम इसमें जायफल डालेंगे। हमने यहाँ पे जायफल का पाउडर बनाया है, और आप चाहें तो इसमें इलायची का फ्लेवर दे सकते हैं। छेना और मैदा को हमें अच्छी तरह से मिलाना है, मिलाकर हमें इसका डो तैयार कर लेना है। मैंने जो दूध को फाड़कर छेना बनाया था, यह छेना 160 ग्राम है। 1 लीटर दूध में 160 ग्राम या 150 ग्राम छेना निकलते हैं। मैंने यहाँ पे 1 लीटर दूध का मैनेजमेंट बताया है। हमें इसे हाथ की गद्दी से अच्छी तरह से मसल कर मालिश करना है, और हमें इसी तरह से 3-4 बार करके मालिश करना है। मालिश करके हमें एकदम स्मूथ डो बना के तैयार करना है। मैंने इसमें सोडा नहीं दिया है, सोडा हम बाद में डालेंगे। अभी हमें हाथ से शुद्ध मालिश करना है, मालिश करके स्मूथ डो बना के तैयार करना है। मिठाई के कारखाने में तो मैं वहाँ पे 2-3 किलो करके बनाता हूँ, यहाँ पे आज मैं 1 किलो दूध का बनाकर दिखा रहा हूँ। डो बनकर तैयार हो चुका है, अब हम इसमें सोडा डालेंगे। सोडा मैं हाथ में लेकर जिस तरह से दिखा रहा हूँ, आप अगर इस तरह से सोडा डालेंगे तो आपके काला जामुन अच्छे फूलेंगे और खस्ते भी होंगे। मैंने सोडा को 2 अंगुल से उठाकर 3 बार रखा है, और ये बेकिंग सोडा है, बेकिंग पाउडर नहीं है। इसे कुछ लोग खाने वाला सोडा भी बोलते हैं। अब हम इसमें थोड़ा सा पानी देना है, हमें एकदम थोड़ा सा, हमें ज़्यादा पानी नहीं देना है, एकदम थोड़ा सा पानी देना है। पानी देने के बाद सोडा और पानी को हमें अच्छी तरह से मिलाना है। इसके बाद हमने जो काला जामुन का डो बनाया था उसी के साथ हमें अच्छी तरह से मिलाना है। मिलाने के बाद हमें फिर से अच्छी तरह से मालिश करना है, जैसे मैंने पहले किया था उसी तरह से करना है। काला जामुन बनाने में सारा मेहनत का काम यहीं पे लगता है। और ये देखिए, काला जामुन का डो बनकर पूरी तरह से कंप्लीट हो चुका है। अब हम चलते हैं, चाशनी बना लेते हैं। चाशनी बनाने के लिए हमें चाहिए कढ़ाई। हमने कढ़ाई को गैस के ऊपर रखा है, और हम उसमें पानी डालेंगे। हमने इसमें पहले 1 कप पानी दिया है, उसके बाद 1/2 कप पानी दिया, टोटल हमने इसमें 1.5 कप पानी डाला है। और आप चाहे तो किसी भी कप से मैनेजमेंट कर सकते हैं, जितना उसमें पानी डालेंगे उसी कप से उतना ही चीनी पड़ेगा इसमें। अब हम इसमें चीनी डालेंगे। हम सबसे पहले इसमें 1 कप चीनी डालेंगे, इसके बाद हमें चीनी और 1/2 कप देना है। हमें इसमें जितना पानी देना है उतना ही चीनी देना है, और हमें गैस को हाई फ्लेम में रखना है और चीनी को गलाना है ताकि हमारी चीनी अच्छी तरह से घुल जाए। और हमें इसे बीच बीच में चलाते रहना है, और हमें इसे उबाल आने तक पकाना है। चाशनी को थोड़ा टेस्टी बनाने के लिए हम इसमें इलायची डालेंगे। हमने यहाँ पे 4-5 पीस इलायची दिया है। हमें इसे हाई फ्लेम में 1 से 2 मिनट तक पकाना है। 2 मिनट पकने के बाद चाशनी थोड़ा चिपचिपी हो जाएगी, और इसमें 1 या 2 तार निकलेंगे। इसका मतलब हमारा चाशनी एकदम परफेक्ट बना है, और हमें इसी तरह से चाशनी बनाना है। इसके बाद हम गैस को फ्लेम बंद कर देंगे। चाशनी को हमें एक बड़े बर्तन में रखना है। अब हम चलते हैं, काला जामुन का बोल बना लेते हैं। काला जामुन के डो को हमें हाथ में लेना है, और उसे हम छोटे छोटे पीस में काटेंगे, एक एक करके। हमें इसे बड़े बड़े पीस नहीं करना है। काला जामुन हम घर में बना रहे हैं, तो हमें इसे छोटे छोटे पीस में काटना है। छोटे पीस में काला जामुन अच्छे बनते हैं, खाने में भी स्वादिष्ट लगते हैं। इस तरह से हम एक एक करके सभी काला जामुन का पीस काट लेना है हमें। अब हम चलते हैं, इसका बोल बनाते हैं। हमें एक लोई को हाथ में लेना है, इसे गोल गोल करके घुमाना है, और हमें इसका बोल बनाना है। बोल बनाते समय हमें एक बात को ध्यान रखना है कि इसमें एक भी क्रैक नहीं होना चाहिए। अगर इसमें क्रैक रहेंगे तो हमारे काले जामुन फट जाएंगे, और ये दिखने में अच्छे नहीं लगेंगे। मैंने यहाँ पे 1 गोल करके दिखाया है, इसमें एक भी क्रैक नहीं है, और आपको ऐसे ही करना है। अगर गोल गोल करने में थोड़ा सा क्रैक हो रहा है तो हाथ में थोड़ा सा ऑयल लगा लें, ऑयल लगाने से इसमें क्रैक नहीं आएंगे। मैं हलवाई का काम करता हूं, तो इसलिए मैं 3-3 करके गोल करके दिखा रहा हूं, क्योंकि हमें 3-3 करना आता है। अगर आपको आता है आप भी 3-3 कर सकते हैं, नहीं आया तो एक एक करके करें। एक एक करके हमें सभी काला जामुन के बोल को गोल कर लेना है। काला जामुन का बोल बनकर तैयार हो चुका है। अब हम चलते हैं, इसका फ्राई करते हैं।
सबसे पहले हमें एक कढ़ाई लेना है, उसे गैस के ऊपर रख देना है। अब हम उसमें तेल डालेंगे। गैस को हमें हाई फ्लेम में रखना है। हाई फ्लेम में करने के बाद तेल को गर्म होने तक हम इंतजार करेंगे और उसमें एक बॉल डालकर चेक कर लेंगे। और देखिए तेल गर्म हो चुका है। तेल गर्म होने के बाद गैस को हमें एकदम लो फ्लेम में रखना है। इसके बाद हमें एक एक करके तेल में सारे बॉल को छोड़ देना है। मैंने यहाँ पे रिफाइन तेल यूज किया है, आप चाहे तो देसी घी यूज कर सकते हैं और वनस्पति घी भी यूज कर सकते हैं, बस जो हो वही यूज करें। एक एक करके हमने सारे बॉल को तेल में छोड़ दिया। हमें एक पौने की मदद से तेल को काले जामुन के ऊपर हल्का हल्का सा देना है ताकि हमारे काला जामुन तैरने लगे। तैरने के बाद हमें बॉल को हाथ में लेना है और हमें उसे दबाकर चेक कर लेना है नरम है या नहीं। अगर नरम है तो इसका मतलब खस्ता है, अगर नरम नहीं है तो ये खस्ता नहीं है। काला जामुन के बॉल तैरने के बाद हमें तुरंत गैस को हाई फ्लेम में रखना है ताकि इसका कलर हल्का हल्का चेंज हो जाए और हम हाथ से दबाकर देखेंगे ये थोड़ा थोड़ा कड़ा होने लगेगा। काला जामुन का बाहरी हिस्सा कड़ा होने के बाद गैस को हमें लो फ्लेम में कर देना है। गैस को लो फ्लेम करने के बाद हमें इसे 4-5 मिनट तक पकाना है। इसे हमें गोल्डन ब्राउन होने तक पकाना है और हमें इसे कंटिन्यू चलाते रहना है। 5 मिनट पकने के बाद इसका कलर हो चुका है और ये देखिए ब्राउन कलर का दिख रहा है, हमें बस यहीं तक पकाना है। ब्राउन कलर होने के बाद हमें इसे एक प्लेट में निकाल लेना है। अगर हमें अभी पकाकर इसे काला जामुन बनाना है तो बहुत देरी लगेगा और ये बहुत हार्ड हो जाएंगे, बहुत कड़े हो जाएंगे, काला जामुन सही नहीं बनेंगे हमारे। काला जामुन को बॉल निकालने के बाद हमें इसे तेल को बहुत ज़्यादा गर्म करना है। तेल को ज़्यादा गर्म होने के बाद हमने जो काला जामुन का बॉल निकाला था हमें उसमें छोड़ देना है। काले जामुन को बॉल छोड़ने के बाद हमें उसे जल्दी जल्दी से चलाना है, नहीं तो हमारे काले जामुन जल जाएंगे। ये हलवाई वाला ट्रिक है, जैसे कि मैं दुकान में बनाता हूँ वही ट्रिक मैं आज आपको बता रहा हूँ। और ये देखिए काले जामुन का कलर हो चुका है और हमें इसे चाशनी में छोड़ देना है। चाशनी में छोड़ने के बाद हमें इसे कंटिन्यू चलाते रहना है। चाशनी में छोड़ने से पहले हमें एक बात को ध्यान देना है कि हमारा चाशनी गर्म होना चाहिए हल्का सा और हमें इसे अच्छी तरह से चलाना है ताकि काले जामुन के अंदर चाशनी चला जाए और अच्छी तरह से चाशनी एब्जॉर्ब कर ले। और काला जामुन बनाने का एकदम आसान तरीका यही है, सरल तरीका भी यही है और हलवाई वाले ऐसे ही बनाते हैं। काला जामुन चाशनी में छोड़ने के बाद ये देखेंगे थोड़ा थोड़ा कड़ा रहेगा और हमें इसे तुरंत गैस के ऊपर रख के इसे गर्म कर लेना है। अगर हम गर्म नहीं करेंगे तो हमारे काला जामुन फूलेंगे कैसे। और गर्म करने के बाद हमें इसे ढककर रख देना है। अगर आपके काला जामुन कड़ा है तो इसे थोड़ा देर तक और पका लें और हम 10 मिनट बाद इसे खोलकर देख लेंगे हमारे काले जामुन कैसे बने हैं। और ये देखिए हमारे काले जामुन बनकर तैयार हो चुके हैं। ये लाइट की वजह से काला जामुन आपको इस तरह से दिख रहा है, लेकिन ये काला जामुन एकदम परफेक्ट कलर में बने हैं। अब हम काला जामुन को काटकर दिखाते हैं कि हमारे काला जामुन कैसे बने हैं। अगर आपको काला जामुन की रेसिपी पसंद आए तो इसे लाइक करें और हलवाई वाली रेसिपी पाने के लिए मेरे चैनल को प्लीज सब्सक्राइब करें। और मैं मिठाइयों वाली वीडियो अपलोड करता रहता हूं और देख सकते हैं हमारे काले जामुन कितने चमक रहे हैं। मैंने एक काला जामुन को काटने वाला वीडियो मैंने सनलाइट में बनाया है, इसमें मैंने कोई स्टार लाइटिंग यूज नहीं किया है, इसीलिए आपको ये बहुत चमक रहे हैं। और आप देख सकते हैं काला जामुन कितना सॉफ्ट और मुलायम बना हुआ है और इसमें कोई गांठ ओट नहीं पड़ा है। बस रेसिपी यहीं तक था और वीडियो देखने के बाद लाइक सब्सक्राइब कमेंट करना ना भूले। हाँ, जाते जाते पहले बेल आइकन जरूर प्रेस करें ताकि मैं जब नया वीडियो अपलोड करूँ तो नोटिफिकेशन पाएं सबसे पहले।